हुआ। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको ट्रांजिशन मेटल के बारे में, उसके जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताया। आज हम उसके कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में आपको एक एक करके बता रहे हैं। आप ध्यान से इसको देखते चले और इसके क्वेश्चन पैटर्न को स्टडी करने की कोशिश करें। आज हमारा टॉपिक हो गया ट्रांजिशन मेटल में डेंसिटी के ट्रेंड के बारे में बताना, डेंसिटी का क्या होगा ये बताना है। फिर हमको ये बताना है जो ट्रांजिशन मेटल के जितने भी एलिमेंट है वो ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करते क्यों। फिर आपको ये जानना है जो ये ज़्यादातर मैग्नेटिक बिहेवियर में पारा मैग्नेटिक दिखाते क्यों, और ढेर सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे हैं, ट्रांजिशन मेटल ऐसे हैं जो कलर्ड कंपाउंड का निर्माण करते वो क्यों। इन तीन चार कारणों को आप लेक्चर नंबर 2 में सीखेंगे। आप ध्यान से एक एक करके देखें। फर्स्ट आप आइए डेंसिटी के बारे में आपको जानना है। तो जनरल प्रॉपर्टीज में, ट्रांजिशन मेटल के जनरल प्रॉपर्टीज में हमने आपको ये बता कर दिया जो डी ब्लॉक के जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है, और जब आप लेफ्ट से राइट सीरीज में जाएंगे तो डेंसिटी का वैल्यू इंक्रीज करता जाता और लास्ट में जाने के बाद डेंसिटी का वैल्यू डिक्रीज करता है। तो एक एक करके जरा इसकी केमिस्ट्री को आप चेक करें, जो ट्रांजिशन मेटल में डेंसिटी के वैल्यू का क्या ट्रेंड होता ये आपको जानना है। गौर करें, सबसे पहला टर्म है इसका नाम है, ये हो गया इसकी हाई डेंसिटी होती। तो याद होगा, सबको याद है, डेंसिटी इज इक्वल टू घनत्व इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। आपको याद है ट्रांजिशन मेटल जितने भी होते उनका मास ज्यादा होता क्योंकि उनकी एटॉमिक नंबर 21 से स्टार्ट होती है। इसका मतलब एटॉमिक नंबर ही ज्यादा है तो ऑब्वियसली मास का वैल्यू जो होगा वो ज्यादा होगा ही होगा। और फिर आप ये जानते हैं जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आप क्लास 11 में पढ़े हैं, लेफ्ट से राइट जाने पर साइज डिक्रीज होता जाता। इसका मतलब हो गया जो साइज है, याद कीजिए, जैसे ही वो डिक्रीज हो गया इसका मतलब हो गया इसका रेडियस डिक्रीज हो गया। और याद कीजिए, रेडियस अगर डिक्रीज हो गया तो याद होगा 4/3 पाई आर क्यू का वैल्यू भी डिक्रीज हो गया, मतलब इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। इसका मतलब मास का वैल्यू हाई होता नंबर वन, और वॉल्यूम का जो वैल्यू होता वो लो होता। तो इसका मतलब मास ज्यादा होने के कारण, वॉल्यूम कम होने के कारण डेंसिटी का मान बढ़ता चला जाता। तो एक सिंपल सा जवाब देना है, डी ब्लॉक के मेटल, ट्रांजिशन मेटल्स की डेंसिटी ज्यादा होती क्यों। आप जवाब देंगे इसका मास का वैल्यू ज्यादा होता, वॉल्यूम कम होता, इसलिए डेंसिटी का वैल्यू ज्यादा है। नेक्स्ट आइए, कहता है पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर डेंसिटी का क्या ट्रेंड होगा ये आपको सीखना है। तो गौर से देखें, जब आप पीरियड में डी ब्लॉक मेटल के सीरीज में जब आप लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ जाएंगे तो आप रेडियस वाले टॉपिक में इसको फिर से एक बार अच्छे से चेक करेंगे। लेफ्ट से राइट जाने पर जो साइज होता वो डिक्रीज होता जाता। लास्ट में फिर आप जब जाएंगे डैश 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 तो आप ये पाएंगे साइज थोड़ा इंक्रीज हो जाता। ये हम रेडियस में इस चीज को और अच्छे से बता पाएंगे। जब आप स्कैंडियम से लेकर के आप जिंक तक जाते पहली सीरीज में आप काम करें तो आप ये पाते हैं जो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा, मास नंबर इंक्रीज हो रहा। इसका मतलब आप डेंसिटी की व्याख्या खुद से करें, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। लेफ्ट से राइट जा रहे हैं आपका मास इंक्रीज कर रहा, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा, घट रहा। तो इसका ऑटोमेटिक मतलब है अगर अंश न्यूमरेटर का मान बढ़ेगा और डिनोमिनेटर हर का मान अगर घटेगा तो संख्या का मान बढ़ेगा। इसलिए लेफ्ट से राइट जाने पर घनत्व का मान बढ़ता। आप कह सकते हैं डेंसिटी का जो वैल्यू है लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज होता,
इसके इंक्रीज होने का कारण हो गया डेंसिटी इंक्रीज होता ड्यू टू इंक्रीज इन डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एट द इंड. ये इंड का दिया गया. इंड में याद कीजिए रेडियस थोड़ा बढ़ जाता इसलिए डेंसिटी का मान आपका घट जाता है. लास्ट में जिंक वाले में कॉपर का ये मान लगभग बराबर रहता है. तो यहाँ से आपके इस हिस्से का जवाब मिल गया. आगे जरा वैल्यू देख ले. वैल्यू नहीं रटना है, कभी याद नहीं करना, खाली इसको वेरीफाई करने के लिए हमने वैल्यू आपको दिया ताकि आप वेरीफाई कर लें. गौर करिए स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक का डेंसिटी का वैल्यू है. याद कीजिए दिख रहा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा, इंक्रीजेस डेंसिटी बढ़ रहा. यहाँ पर डेंसिटी आपका बढ़ रहा, डेंसिटी इंक्रीजेज 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 और ये बराबर हो रहा, लगभग बराबर. और ये तो छोटा हो रहा. इसका रीजन क्या है? इस जगह पे साइज का रीजन. यहाँ पर जो है लास्ट में आने के बाद जो साइज होता, क्योंकि एक तरफ तो मास बढ़ रहा, हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो बढ़ा हुआ मास ये कहता जो भाई डेंसिटी बढ़ेगा. लेकिन आगे जाने पर आप देखेंगे साइज भी बढ़ रहा इसका. ये साइज वाले में सीरीज में जब साइज बताएंगे एटॉमिक और आयनिक रेडाई तब ये पॉइंट और क्लियर होगा. तो साइज बढ़ रहा तो बोल रहा जो भाई डेंसिटी घटेगा. जितनी जिस अनुपात में इसमें इंक्रीज हो रहा उस अनुपात में वॉल्यूम भी बढ़ रहा, इसलिए बोल चुक लेनी देनी ये दोनों वॉल्यूम बराबर वैल्यू क्लोज आ गया. और अंत में साइज काफी ज्यादा बढ़ गया तो वॉल्यूम मास की तुलना में वॉल्यूम ज्यादा बढ़ गया इसलिए डेंसिटी डिक्रीज कर गया. तो ये एक जनरल सा ट्रेंड सब लोग ध्यान में रखेंगे. दो नाम जरूर याद रखिए, ऑस्मियम और इरिडियम, दोनों की हाई डेंसिटी होती. इसमें भी इरिडियम की डेंसिटी का मान काफी ज्यादा होता है. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आइए जो आपसे ये कहा जाता जो ट्रांजिशन मेटल जो संक्रमण धातु है वो ज्यादातर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करते क्यों. मतलब ज्यादातर अगर आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में याद करें यूपिक नेम लिखना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, उसमें आप सेंट्रल मेटल को अगर गौर करेंगे तो आपका ज्यादातर सेंट्रल मेटल आयरन हो गया, निकेल हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, ये सब मेटल आपको कोऑर्डिनेशन में ज्यादा दिखा होगा. इसका मतलब हो गया डी ब्लॉक के मैक्सिमम मेटल जो हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करते हैं. ये हमने ट्रांजिशन मेटल के जनरल प्रॉपर्टीज में भी पढ़ाया. अब आपको ये सोचना है ये कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते, इस बारे में आप ध्यान से पूरी बात देखें कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते. तो इनकी केमिस्ट्री को आप ऐसे समझें जितने भी ट्रांजिशन मेटल और उसके जितने भी केटायंस होते हैं आयंस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं. तो इस पॉइंट को आपको एक एक करके गौर से देखना है. फर्स्ट आप इसके पूरे सीरीज पर आइए, पूरे वैल्यू पर आइए, एक एक करके गौर करिएगा. हमने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया, याद कीजिए के फोर एफ ई सी एन का होल सिक्स, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, पढ़ा हुआ है कई बार कोऑर्डिनेशन. इस जगह पर आप एफ ई का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें इज इक्वल टू प्लस टू. तो याद कीजिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता था, थ्योरी होता था मेटल में दो प्रकार की वैलेंसी होगी, एक का नाम प्राइमरी एक का नाम सेकेंडरी. तो यहां पर ये आयरन याद कीजिए बीच में, अच्छी बात है, इसके चारों ओर से लिगेंड, ये हो गया साइनाइड वन साइनाइड टू साइनाइड थ्री साइनाइड फोर साइनाइड फाइव और साइनाइड सिक्स, दीज आर लिगेंड. करता क्या था ये लिगेंड मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में याद कीजिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो यहां से थ्योरी मिला एक मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तब बनाएगा जब उस मेटल का साइज छोटा होगा. क्यों?
साइज छोटा होने पर वो अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ उसके खुद के ऑर्बिटल में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन मिल रहा उस इलेक्ट्रॉन को वो मजबूती से पकड़ पाएगा, होल्ड कर पाएगा, इसलिए मेटल का छोटा साइज होना अनिवार्य है। और आप जानते हैं जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना छोटा होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट आइए, इस पर न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा होना चाहिए। तो आपको याद होगा एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा ऑब्वियसली उनका जो चार्ज होगा वो आपको ज्यादा मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान देते जाइएगा। सेकेंड पॉइंट निकला, इसमें न्यूक्लियर चार्ज का जो वैल्यू होगा वो ज्यादा होगा। दिस इज सेकेंड पॉइंट। फिर याद कीजिए हर सेंट्रल मेटल में वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और उस वैकेंट ऑर्बिटल में वो लिगेंड से लोन पेयर एक्सेप्ट कर सके। तो यहां से आपके इस प्रश्न का जवाब मिल गया। जो डी ब्लॉक के ज्यादातर मेटल ज्यादातर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करते, क्यों? तो देना होगा डी ब्लॉक के ज्यादातर मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करते जिसका कारण निम्नलिखित है। फॉलोइंग आर द रीजंस इन बाय विच वी कैन एक्सप्लेन दैट डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। वो कौन कौन सा? पहला देंगे स्मॉल साइज ऑफ सेंट्रल मेटल या ट्रांजिशन मेटल एटम और केटायन। सेकेंड देंगे हाई न्यूक्लियर चार्ज। थर्ड देंगे प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल की उपस्थिति। और फोर्थ देंगे जो वो अपने खाली ऑर्बिटल में लिगेंड से लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। बस इतने पॉइंट को आपको कवर करना। हाई न्यूक्लियर चार्ज, ट्रांजिशन मेटल में वैकेंट ऑर्बिटल होता है जिसके कारण वो लिगेंड से लोन पेयर एक्सेप्ट करता, लोन पेयर ग्रहण करता, ये इसका पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आई, अब यहाँ पर एक बार मांगा जाता बच्चों से, जो आप ये बताएं किसी भी ट्रांजिशन मेटल के लिए ग्रुप नंबर कितना होगा या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो याद रखिए वेरी इजी एग्जांपल, तब इसके थ्योरी पर चलते हैं। ये थ्योरी कहता है जो किसी भी एलिमेंट के आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिख लें वो नोबल गैस वाले स्टाइल में, और उसमें याद रखिएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमेशा हम डिनोट करते हैं एनएस, और पेनल्टी मेट इसके ठीक अंदर वाला कहलाता एन माइनस वन डी। अब मान लेते हैं इस पर अगर एक्स इलेक्ट्रॉन है, इस पर अगर वाई इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो याद रखिएगा इसी को हम नाम देंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वेरी इंपॉर्टेंट। और याद रखिएगा इसी को हम लोग नाम देंगे ग्रुप नंबर। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हर बच्चे के लिए, कभी भी किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डाल दिया, यहां पर दे दिया नोबल गैस, और अब आपसे कहा जा रहा है जो बताइए इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा। अब तुरंत निकाल लेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और उसी को नाम देंगे ग्रुप नंबर। जैसे स्कैंडियम में याद कीजिए 1 + 2 = 3, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी 3 और ग्रुप नंबर भी 3। एकदम ध्यान दीजिएगा। फिर गौर करिए क्रोमियम कॉन्फ़िगरेशन ये मिला, पूछा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 + 1 = 6 और ग्रुप नंबर भी 6। फिर आपका आ गया मैग्नीज 5 + 2 = 7 और ग्रुप नंबर भी 7। तो यहां से एक थ्योरी आप गौर करेंगे, वेरी इजी एग्जांपल। तो डी ब्लॉक के किसी भी एलिमेंट को आप ले लें, डी ब्लॉक के किसी भी एलिमेंट को जब आप लेते हैं उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन करने के लिए आपको एनएस इलेक्ट्रॉन और उसमें ठीक अंदर का जो डी वाला इलेक्ट्रॉन होता ठीक अंदर,
उसके इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना है, मतलब ns और n माइनस 1d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन को आप ऐड कर देंगे तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी प्राप्त होगा। और साथ साथ आप ये भी कह दीजिए जो इसके साथ आप ग्रुप नंबर भी प्राप्त कर पाएंगे, ग्रुप नंबर कितना होता। जैसे वेरी गुड क्वेश्चन, आपको कहा गया एक एलिमेंट है x, अच्छी बात है, उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया यहाँ पर आर्गन, फिर दे दिया 3d8 4s2। अब आपसे कह रहा बताइए इस एलिमेंट का ग्रुप नंबर कौन सा होगा, तो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 8 + 2 = 10 = 10। तो ये चीज सब लोग ध्यान रखा करेंगे, ऑब्जेक्टिव में वन क्वेश्चन आपको यहां से निकल कर सामने आता, इसको आप तैयार करके रखेंगे। नेक्स्ट आप आइए, अब यहां से आपसे ये पूछा गया जो किसी भी ट्रांजिशन मेटल के द्वारा ज्यादातर कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जाता, क्यों, आप व्याख्या करें। या ये क्वेश्चन हम टीचर ऐसे भी पूछ बैठे जो कुछ आयन बना के दे देंगे और हम आपसे ये पूछेंगे बताइए कौन कलर्ड होता, हमने आपसे पूछा बताइए कौन सा कलर्ड है, कौन सा रंगीन है, या हमने आपसे ये पूछ दिया जो बताइए कौन सा ऐसा है जो कलरलेस है, क्वेश्चन हमने आपको ये दे दिया। इसमें हमने आपको चार ऑप्शन भी दे दिया ABCD, और यहां भी हमने ऑप्शन दे दिया ABCD, क्वेश्चन आपको देना है। तो इस जगह पे कलर्ड वाले के लिए आप ABCD जो चार ऑप्शन दिया गया वो ये दिया गया, यहाँ दे दिया गया जिंक प्लस 2+, फिर यहाँ दे दिया गया स्कैंडियम 3+, फिर दे दिया गया यहाँ Cu+, फिर यहाँ दे दिया गया Fe3+, ऐसे ऑप्शन दिया गया। कलरलेस वाली एग्जांपल में आपको विकल्प दिया गया, मान लेते हैं यहाँ दे दिया गया Cobalt 2+, फिर दे दिया गया Chromium 3+, फिर आपको दे दिया गया Nickel 2+, फिर यहाँ पर दे दिया गया Cu+। अब इस जगह पर जवाब देना है कौन कलर्ड है और कौन कलरलेस। इस थ्योरी को कवर करने के लिए हम 12th क्लास के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर जाना चाहेंगे। याद होगा कोऑर्डिनेशन में हम आपको पढ़ाए थे जो इन एब्सेंस ऑफ लीगेंड, अगर लीगेंड अवेलेबल नहीं है तो सेंट्रल मेटल के 5d ऑर्बिटल की एनर्जी बिल्कुल आइडेंटिकल होगी, वो ऑर्बिटल डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स कहलाएगा। लेकिन लिगेंड की उपस्थिति के कारण, याद कीजिए डी के ये 5 ऑर्बिटल अलग अलग भागों में बट जाते, ये हम ड्रॉ करके दे रहे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, टेट्राहेड्रल में रिवर्स होगा। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए आप याद करें ये अलग अलग भागों में बट गया। अगर थोड़ा सा आपका रिवीजन CFT का हो तो याद होगा इसका नाम होता था T2G ऑर्बिटल और इसका नाम होता था EG ऑर्बिटल। अब यहां पे थ्योरी कहता है जो अगर डी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकम्प्लीट है, मतलब यहां पर आ गया D1, अगर भीबग्योर का 7 कलर अगर इस सब्सटेंस पर गिरता है तो वो किसी न किसी कलर कंपोनेंट को, कलर को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसका इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से जंप मार के हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा, और इलेक्ट्रॉन के इस लोअर से हायर एनर्जी के ट्रांसफर को हम लोग नाम देते DD ट्रांजिशन। तो DD ट्रांजिशन क्या हुआ, तो DD ट्रांजिशन वह घटना है जिसमें कम एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हायर एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल में होता है। अब गौर से देखें, अगर जिसमें डी अधूरा हो, मतलब अगर D1 से लेकर D9 तक हो, तो उसमें आराम से आपको DD ट्रांजिशन मिलेगा, आराम से DD ट्रांजिशन आपको प्राप्त होगा D9 तक हो। तो आपको यही चेक करना है जो कलर्ड है इसका मतलब हो गया उसमें D1 से D9 अधूरा मिलेगा। क्यों, क्योंकि
इनकम्प्लीट होगा, तभी तो इनर्जी से वो लोअर से हायर में जाएगा। याद होगा स्कूल विवग्योर का सेवन कलर, बैनिया पीनाला, विवग्योर का सेवन कलर किसी ऑब्जेक्ट पर आकर अगर वो रिटर्न हो जाता है पूरा का पूरा, तो वो ऑब्जेक्ट आपका हो गया वाइट। और अगर वो सेवन का सेवन कलर एब्जॉर्ब कर लिया तो वो हो गया ब्लैक। सेवन कलर का कंपोनेंट आया और उसमें से कुछ कलर को वो एब्जॉर्ब करके बाकी को रिटर्न कर दे, वो एब्जॉर्ब क्यों करता? क्योंकि वो डी के इलेक्ट्रॉन को लोअर से हायर में ट्रांसफर कर सके स्प्लिटिंग के कारण, बटने के कारण। इस काम में उसको एनर्जी चाहिए, वो किसी न किसी कलर कंपोनेंट को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जो रिटर्न हुआ वो सेवन का सेवन कलर नहीं हुआ, इसलिए सब लोग याद रखेंगे इस घटना को ही हम लोग नाम देते डीडी ट्रांजिशन। हम टीचर रीजनिंग में भी पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी। याद कीजिए, हम एक एक करके इसका आंसर आपको बता रहे, जरा आप ध्यान से आंसर की तरफ देखें। जिंक टू प्लस, तो गौर करिएगा जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होगा 3d10,